गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के बच्चों का स्वागत है। आप लोगों का एग्जाम आ रहा है और एग्जाम की दृष्टि से वर्क एंड एनर्जी का क्या इम्पोर्टेंस है आप लोग जानते हो। आइए आज हम लोग वर्क और एनर्जी से संबंधित कंसेप्ट बनाने का काम करेंगे। ये वर्क डन और एनर्जी दोनों एक ही है? दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है? जैसे वर्क डन को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या है? सब वर्क डन ही तो है। अब आइए तो फिर बात करते हैं ये वर्क डन क्या है भाई। अब सपोज करो, मैं एक सिंपली बात कर रहा हूं, तुम अपने दीवार के सामने वाले दीवार को पुश कर रहे हो, भरपूर फोर्स लगा रहे हो, मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या दीवार में कोई मूवमेंट हो रहा है? क्या दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है? तो क्या तुम कहोगे कि वर्क डन हुआ? नहीं भाई, वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हमें दो फैक्टर की जरूरत होती है। नंबर वन, अप्लाइड फोर्स, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों होना जरूरी है। जब तक ये दोनों फैक्टर जरूरी नहीं है, आपके पास नहीं है, यू कांट से द वर्क इज डन। चलो एक उदाहरण और देते हैं। प्लेटफॉर्म पर एक कुली एक बड़ा सा ब्रीफकेस लेके सिर पे रखे खड़ा है, तो क्या आप कहोगे वर्क डन हुआ? फोर्स तो लग रहा है उस पे, लेकिन केवल फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर वर्क इज नॉट डन, इन दिस कंडीशन वर्क इज नॉट डन। तो हम लोग वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग वर्क डन को डिफाइन करेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी displaces the body in the direction of force। हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण अगर वस्तु में मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं कि उस वस्तु पे वर्क डन हुआ। तो दो फैक्टर्स एसेंशियल है वर्क डन के लिए। पहला हमारा क्या है सर? पहला हमारा है फोर्स, दूसरा हमारा वर्क डन का फैक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू के एफ एस। SI यूनिट में के का वैल्यू 1, के इज ए कॉन्स्टेंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया सर? एफ इंटू एस, वर्क डन बराबर अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करो हमको डिफाइन करना है 1 जूल ऑफ वर्क। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो डिफाइन करो ना, डब्ल्यू बराबर क्या है? एफ इंटू एस। तो इसको किस में नापोगे? जूल में। इसको किस में नाप मेजर करोगे? न्यूटन में। इसको किस में मेजर करोगे बोलो? डिस्टेंस को। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करोगे? हम करेंगे इसको मीटर में। इसको किस में करेंगे? मीटर में। तो अगर हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस विथ 1 मीटर, देन यू कैन से द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल।
क्या कहा हमने, एक न्यूटन का फोर्स अगर किसी वस्तु पे लगाते हो और उस फोर्स के कारण वस्तु में जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, देन यू कैन से द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, द वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। अब सवाल पैदा होता है कि हम लोग फोर्स को कॉस के टर्म में लेते हैं, क्यों भाई? सीधे दे फोर्स का वैल्यू लगा दो, अगर 10 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, तो क्या तुम मानते हो कि तुम किसी भी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट एक समान होगा? अगर कोई बॉडी है और तुम 10 न्यूटन का फोर्स पैरेलली लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लगा रहे हो, देन यू कैन से यू आर अप्लाइंग मैक्सिमम फोर्स। लेकिन जब एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, तब तब आपका फोर्स घटता जा रहा है, फोर्स वर्क डन क्या हो रहा है आपका, घटता जा रहा है। और अगर ये आ गया सीधे 90 डिग्री पे, तो फोर्स को अगर 90 डिग्री पे आ गया तो तुम नो वर्क डन, देखो तो फोर्स तो तुम उतना ही लगा रहे हो, पैरेलली भी फोर्स तुम लगा रहा था। ये प्लेन सरफेस है और ये ब्लॉक है, ध्यान दो, ये प्लेन सरफेस है, ये ब्लॉक है, और तुम यहां पे फोर्स लगा रहे हो, इस कंडीशन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, देन यू आर अप्लाइंग मैक्सिमम फोर्स। अब इस कंडीशन में लगा रहे हो फोर्स, तो फोर्स तो वही लग रहा है तुम्हारा 10 न्यूटन का, फोर्स कितना लग रहा है सर, 10 न्यूटन का, देखो तो यहाँ पे वर्क डन कम जाएगा। और अगर तुमने इस कंडीशन में फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन का, तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों कंडीशन में यहां भी तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां भी लगाया, इस कंडीशन में लगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वर्क डन कहाँ ज्यादा होगा, सपोज करो मूवमेंट हुआ, ये दोनों कंडीशन में मूवमेंट्स हुआ बॉडी में, तो वर्क डन तो हुआ, लेकिन तीसरे कंडीशन में, तीसरे कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन कहाँ हुआ, इस कंडीशन में, उससे कम वर्क डन यहां पे और यहां पे, तो नो वर्क डन। इसलिए फोर्स को हमको किस टर्म में लेने की जरूरत पड़ी, कॉस के टर्म में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये एक प्लेन सरफेस हो गया, ये गोला हो गया, इस पे हमने फोर्स लगाया भाई, ये फोर्स का वैल्यू है एफ, और इसकी वजह से ये गोला में मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, कितना मूवमेंट हुआ गोले में, तो आप देख लो, ये मूवमेंट हुआ एस, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो भाई, ये एंगल जो है, यही एंगल है थीटा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया, तो ये अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, ये थीटा कहलाता है, और यही सुनिश्चित करता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। बात समझ में आई? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखा, अब हमने फोर्स को किस टर्म में ले लिया, कॉस थीटा के टर्म में ले लिया। आइए नेक्स्ट, आप देख रहे हो, अगर फोर्स, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल का वैल्यू अगर 0 रहे, तो कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1, तो यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा जो मैं बता रहा था, लेकिन एक बार भाई परपेंडिकुलर रहे तो फोर्स, फोर्स तो वही लग रहा है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, 0, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो आइए हम लोग बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की,
हम लोग केस नंबर फर्स्ट की बात करते कि भाई थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहा हमने? 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो हम क्या कहेंगे सर? द वर्क डन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव वर्क डन। नहीं, क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव वर्क डन। और यह किधर होगा? द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दूसरा केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड ये क्या है? ये 90 डिग्री से बड़ा हो अपना थीटा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक, इसका रिवर्स कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा इसका भाई? सपोज करो वर्क डन बराबर हमारा 100 डिग्री है, तो एफ कॉस 100 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे निगेटिव वर्क डन। क्या कहेंगे सर इसको? निगेटिव वर्क डन। इसका मतलब फोर्स तो लगाएंगे इन मूवमेंट क्या होगा? ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मूवमेंट क्या होगा? ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसने हमने कहा निगेटिव वर्क डन। और केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो क्या लिखोगे तुम? तो? डब्ल्यू बराबर एफ कॉस 90 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया? जीरो, क्योंकि कॉस 90 बराबर क्या है? जीरो, नो वर्क डन। मैं शुरू में ही बात किया ना कि एक कुली अगर सिर पे रखे हुए है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या है वो? जीरो वर्क डन। अब सपोज करो एक वस्तु को तुम राउंड से घुमा रहा है, एक सूता से बांध के, धागा से बांध के, और तुम उसको चारों ओर घुमा रहा है, तो धागा तो जैसे ही छूटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये टेंजेंट के दिशा में भागेगा, मूवमेंट तो इस दिशा में होगा ना, मूवमेंट तो इस दिशा में होगा जो टेंजेंट्स खींचेंगे। अब फोर्स, सेंट्रीफेटल फोर्स कहाँ लगेगा? टुवार्ड सेंटर। अब बताओ ये तो हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ये दोनों के बीच में कितना हो गया थीटा का वैल्यू? 90 डिग्री। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्क डन का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एफ कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज बिकम्स जीरो। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। आइए हम लोग यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या है भाई? यूनिट ऑफ वर्क डन तो सीजीएस में हम लोग किसमें नापते हैं? सीजीएस में नापते हैं हम लोग आर्ग में, और एसआई सिस्टम में जूल में। इसको हम लोग कैपिटल जे से दिखाने का काम करते हैं। और भी है वर्क डन का यूनिट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरीज, किलो वाट आवर। आइए किलो वाट आवर को हम लोग देखते हैं। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 × 10^6 जूल। यही होता है ना? कैसे लाओगे ये वैल्यू? तो लाओ ना भाई, 1 किलो वाट आवर को लिख सकते हो 1 किलो वाट × 1 आवर। इसको लिख सकते हो 1000 वाट × 3600 सेकेंड। आप लिख सकते हो 3600 पे कितना हो जाएगा भाई? 3 जीरो और लग जाएगा ना, वाट सेकेंड। आप लिख सकते हो इसको 36 × 10^5 वाट सेकेंड। आप इसको लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.6 × 10^6 जूल। आ गया हमारा, देखो तो। देखा आपने कि कैसे हम 1 किलो वाट आवर का 3.6 × 10^6 जूल लाया वैल्यू। और भी देख लो एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी का। साउंड एनर्जी का सुना होगा नाम, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये सारे वर्क डन का ही रूप है जिसको एनर्जी के टर्म में हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे चैप्टर में क्या पढ़ना है भाई? तुम्हारे चैप्टर में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी को विस्तार से पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी का रूप क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और मोशन। अगर पोजिशन के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मोशन के कारण एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कौन सी एनर्जी है सर? वो है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी स्टेट चेंज या पोजीशन के कारण हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। अब सपोज करो एक नदी में पानी बह रही है, पहाड़ी स्थान से स्लोप से पानी बहुत तेज करंट से पानी बह रही है। उस फ्लोइंग वाटर में कौन सी एनर्जी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधी कि उस फ्लोइंग वाटर में कौन सी एनर्जी है? तो आप कहोगे सर वाटर का कण तो मूव कर रहा है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वो मैकेनिकल एनर्जी का एक रूप है। चलो तो अब हम क्या किया, बांध बना दिया। हम नदी में क्या किया, बांध बना दिया, वाटर के मूवमेंट्स को रोक दिया। क्या काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो गई क्या? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो गई क्या बताओ? तुमने तो बांध बना के फ्लोइंग वाटर के करंट को रोक दिया। नहीं भाई, एनर्जी तो समाप्त होता नहीं। हम लोग पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का विनाश तो हो ही नहीं सकता। हाँ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हो। तो जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, तुमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी में। और वो एनर्जी का भंडार बनता जा रहा है। वो डैम में जितना पानी संग्रह किया हुआ है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तुम देखना चाहते हो उसका भयावह रूप, देखना चाहते हो? सपोज करो डैम फूट गया तो क्या होगा? एक साथ पानी का फ्लो करंट निकलेगा, सैकड़ों गांवों को, टाउन को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। देखा आपने पोटेंशियल एनर्जी फिर कैसे कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में? इसलिए आप एनर्जी का विनाश तो कर ही नहीं सकते हो। हाँ एनर्जी का रूप बदल सकते हो। तो हमने क्या कहा, मैकेनिकल एनर्जी को
ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स मोशन। अगर पोजिशन की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, मोशन की बात करते हो तो उस पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो। तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कितने भाग में बांटा? मैकेनिकल एनर्जी को हमने कितने भाग में बांटा भाई? तो हमने दो भाग में बांटा मैकेनिकल एनर्जी को, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण पैदा होता है? ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू स्टेट और पोजीशन, और पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है भाई? ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू मोशन। तो देखा आपने, मैकेनिकल एनर्जी को हमने दो भाग में बांटा, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। सपोज करो एक बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मैंने ऊपर की ओर ले गया, मैं एक वस्तु को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की ओर फेंक दिया। अब वो वस्तु कहीं पे जाता रुकेगी, और जिस हाइट पे वो वस्तु रुकेगी, जब वो वस्तु रुक गई, जब तक वो मूव कर रही थी वस्तु, उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन एट ए हाइट अगर वो वस्तु अगर तुम्हारे सिर के ऊपर रुकी हुई है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। तो सपोज करो इस बॉडी का मास क्या है? एम। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं वेट के रूप में, वो क्या है सर? एम इंटू जी, एम जी का फोर्स लग रहा है टुवार्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स। और ऊंचाई क्या हो गई यहां से? अर्थ सरफेस से ये ऊंचाई हो गई एच। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, मास एम, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो आइए जरा वर्क डन देखते हैं, इसमें कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बराबर क्या है? आप तो जानते हो फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रहा है आपका? फोर्स लग रहा है एमजी। फोर्स क्या लग रहा है? एमजी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये इसका हाइट है, जिस हाइट से वो वस्तु गिर रही है नीचे की ओर। कितना आ गया वर्क डन का वैल्यू? कितना आ गया भाई? एम जी एच। और यही फॉलिंग बॉडी के लिए वर्क डन जो है किसमें चेंज हो गया? इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, जब कोई वस्तु गिर रही है एट ए हाइट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये इस पर जो फोर्स लग रहा है और जो वर्क डन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे सर? पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और हमारा फॉर्मूला हो गया MgH। देखा, मैकेनिकल एनर्जी का रूप आ गया ना हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? MgH। चलो प्रैक्टिकली इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। कभी आपने तीर धनुष चलाया है? तीर को जब अपनी पूरी लंबाई के साथ खींचते हो, धनुष और बाण को जब एक बार आप खींचते हो पूरी और स्थिर रखे हो, बोलो अब छोड़ू? तो आप बताओ इस समय तुम मूवमेंट करवा रहे होते हो तो वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। और तुमने अपने प्रत्यंचा को खींच के कान तक खींच लिया, अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जैसे ही तुम्हारे हाथ से छूटा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई? अब तुम रबर को खींचे हुए हो, पूरी लंबाई से रबर को तुमने खींच दिया, तो जिसमें तुम खींच रहा था उसमें कौन सी एनर्जी अप्लाई कर रहे थे? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही थी। लेकिन जब एक लंबाई खींचने के बाद तुम जब स्थिर किए हुए हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही छोड़ा, वो रबड़ अपने पुराने पोजिशन में आ गया। तो आपने देखा। चलो तुम कहेगा सर ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में नहीं आता, तो एक काम करो तुम बैठो, तुम्हारे सिर के ऊपर एक गोला लाते हैं, छोटा गोला है चिंता मत करो, तुम्हारे सिर के ऊपर लाते हैं एक ऊंचाई पे, तो जिसमें मैं जमीन से उठा रहा था गोला को, उसमें कौन सी एनर्जी जा रहा था? काइनेटिक एनर्जी। और एट ए हाइट तुम्हारे सिर पे जब स्थिर कर दिया, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। देखना चाहते हो इस एनर्जी का रूप? जैसे ही इस गोला को मैं छोड़ूंगा तुम्हारे सिर पे, तो क्या होगा? चोट आएगी ना। देखा, पुनः पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का और सारा डिफरेंट रूप हम नेक्स्ट क्लास में देखने का काम करेंगे। आप निरंतर वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि वर्क एंड एनर्जी में आपका कंसेप्ट अच्छा बने, तो यू हैव टू वॉच माय वीडियो रेगुलरली। थैंक यू।